Another reason why I think women are better human beings, आपने देखा जब आप relationship में होते हो, right? Your wife, your girlfriend, they'll be so nice to you, right? They'll hug you, kiss you, unless you're in an argument with them. Then so they just treat you as if they don't even know you. मेरा wife से झगड़ा करना, darling, really sorry. People don't touch me. Don't touch me. उधर खड़े रह के बात कर. उधर. And as guys, we really get confused. कि एकदम से don't touch me मतलब क्या यार? Last night, so she was only saying that, Vipul, this time, though, you touched my soul. Twice. अरे long weekend चल रहा था यार. 15 अगस्त वाला. तो हमें भी लगा नेहरू जी के सम्मान में हो जाए at the stroke of midnight. When the whole world was asleep. अरे मेरी वाइफ की ऐसे ऐसी ठग लाइफ चल रही है, ऐसे ऐसे आर्गुमेंट जीते वाइफ ने, मैं बिलीव ही नहीं कर पाता हूँ यार. एक बार वाइफ ने पूछा, विपुल तुझे कौन सा रेस्टोरेंट जाना है, चाइनीज या इटालियन? मैंने बोला चाइनीज. तुझे इटालियन जाना है पगले? नहीं, मुझे चाइनीज जाना है. शट अप विपुल, आई नो यू बेटर देन यू नो योरसेल्फ. ओके, मैं रात भर सो नहीं पाया, ये स्टेटमेंट कैसे पॉसिबल है यार? मुझे आधी रात को आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया उधर, क्योंकि मैं पिछले 35 साल से रोज अपने साथ 24 घंटे बिता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ यार. तो फिर मैं कितना बड़ा राहुल गांधी हुआ यहाँ पे? मैं आधी रात को बैठ के ये सब सोच रहा हूँ ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ? अगर बचपन में मोदी जी के घर में चूल्हा नहीं था तो फिर वो चाय बना के कैसे बेचते थे? क्या वो उस जमाने में आइस टी बेचते थे? फिर यार मैंने देखा, एक बार मेरा वाइफ से झगड़ा हुआ, अगले दिन वाइफ आके बोलती, विपुल सुन, सॉरी मांग ले, नाटक बंद कर अब. काम वाली भाई को भी यही लगता है कि तू गलत है. एक तो यार एक काम वाली भाई कहां से थर्ड एम्पायर बन के घूम रही घर में यार. और भाई तो तुम्हारी साइड ही लेगी ना यार, तुम सैलरी दे रही, तुम्हारी एम्प्लॉई है. ऐसे तो अगर मैं भी आर्गुमेंट में अगर पान और सुट्टे वाले को लेके आ जाऊं यहाँ पे, फिर मेरे पान वाला तो यूपी नोएडा से, फिर इसको तो लगता है विमेन की गलती होती, बताओ फिर. हाँ, यूपी का फुल फॉर्म ही अल्टीमेट पेट्रियार्की. हाँ, अरे मेरा एक फ्रेंड यूपी से है, वो तो एलेक्सा को भी किचन में ही रखता है. फिर मैंने देखा, आपने देखा जब वाइफ या गर्लफ्रेंड आपको डांट रही होती है ना, वो लोग आपको फ्लो में किसी से भी कंपेयर कर लेते हैं यार. एक बार रात को घर की ट्यूबलाइट खराब हो गई, मैं ठीक नहीं कर पाया, नहीं कर पाया यार. तो मेरी वाइफ ने सबके सामने मेरे को बोल दिया, विपुल यार फिर तेरे से बेटर तो अपना राजू इलेक्ट्रिशियन ही यार. नहीं, क्या फायदा तेरी आईआईटी बॉम्बे की डिग्री का, इसको जला दें, शायद उसकी आग से आज घर में रोशनी हो जाए. विपुल तू घर में उतना ही क्लूलेस है जितना शार्क टैंक में रणविजय. तूने आईटी भी अपग्रेड की है क्या? सेवेज हो रही वाइफ, सेवेज. तो दोस्तों, काम की बात ये है कि वाइफ या गर्लफ्रेंड तो आपको किसी से भी कंपेयर कर सकती है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, जो उनका मूड बन रहा है, लेकिन आप गलती से भी अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को इस पूरे ब्रह्मांड में किसी और इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते हो. पता है क्यों? क्योंकि वो एक यूनिक इंडिविजुअल है. उसकी अपनी खुद की एक पहचान है. शी इज व्हाट शी इज, डैमन. और फिर ये वाला डायलॉग आपके मुंह पे, विपुल इफ यू कांट हैंडल मी एट माय वर्स्ट एंड यू डोंट डिजर्व मी एट माय बेस्ट. इंस्टाग्राम पे लाइक्स के लिए बहुत ही बढ़िया कैप्शन है, मजा आ गया. इजंट दिस अ लिटिल बिट अनफेयर यार? तुम बस मोड में जा रही हो, लेकिन मैं तो इस वक्त बेस्ट बिहेवियर पे हूं ना यार. तो वाइफ का क्लासिक रिप्लाई आता, हाँ, लेकिन यू नो व्हाट विपुल, मेरा वर्स्ट भी तेरे बेस्ट से बेटर है. सो तुम्हें कैसे बता? बिकॉज आई नो यू बेटर देन यू नो योरसेल्फ. अरे आप विमेन से आर्गुमेंट जीत ही नहीं सकते, दे आर सो स्मार्ट. उन्होंने दो दिन पहले ही पूरे आर्गुमेंट का फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है. अगर से ये जवाब दिया था ऐसे लपेट लूंगी, अगर से ये जवाब दिया था ऐसे लपेट लूंगी, और अगर से ये जवाब दिया तो उसकी माँ को भी लपेट लूंगी. आज तो पूरी फैमिली ट्री काटूंगी मैं, देख रहा.
देखो यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी है, मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ कि 90% ऑफ टाइम्स हम मर्दों को जो डांट पड़ती है ना, हम लोग बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बिल्कुल डिजर्व करते हैं हम लोग. सी इंडियन वुमेन हैव टू रेज बोथ किड्स एंड हस्बैंड्स, ये लाइन मेरी वाइफ ने डलवाई है. लेकिन लेडीज कभी कभी मैं ऐसे डांट पड़ती है, हमारा मेल ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता कि ये वाली डांट मुझे क्यों पड़ी है यार, इसमें मेरी क्या गलती थी. जैसे ये हमेशा होता है, वाइफ रेडियो के आउटिंग के लिए जा रहे हो, एकदम से वाइफ, अच्छा सुन पीछे से मेरे ड्रेस का हुक बंद कर दे, हुक. और हम मर्दों से वो हुक बंद नहीं हो पाता यार, क्योंकि हुक इतने पतले होते हैं, वहां पे हमारे फंबल चल रहे होते हैं पाकिस्तानी फील्डर्स की तरह. फिर मेरी वाइफ खुद ही गुस्सा होकर निंजा की तरह खुद ही ऐसे बंद करती थी, खट खट खट. और मैं सोच रहा हूँ अगर ये वाला स्किल सेट ऑलरेडी अवेलेबल था तो मेरे को क्यों बोला गया इन द फर्स्ट प्लेस यार, सिर्फ ह्यूमिलिएट करने के लिए तुमसे ये काम भी ढंग से नहीं हो पाता यार, गुड फॉर नथिंग. मुझे कॉलेज वाले राहुल को ही हाँ बोल देना चाहिए था, मुझे नहीं भाई को भी यही लगता है. देखो यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 35 साल के टैक्स पेइंग आदमी को हुक की वजह से डांटनी पड़नी चाहिए यार. ये हुक ने मेरा जीना आराम कर रखा यार, शादी के पहले डांट पड़ती थी तो मैं हुक खोलना नहीं आता है, अभी डांट पड़ती हुक बंद करना नहीं आता है. तो कोई ये मर्दों का क्रैश कोर्स करवा लो ना यार, मैंने तो कोर्स का नाम भी सोच रखा है, बा हुक और बा क्रुक. See, women's life is very tough, huh? But their clothing makes their life even tougher. उनके ड्रेस के हुक पीछे हैं, उनके जिप पीछे हैं, मेरी वाइफ के कुछ ऑफिस के शर्ट्स और शर्ट्स के सारे बटन पीछे हैं यार. ये फैशन डिजाइनर्स किस लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं वुमेन से यार. अरे मैं बता रहा हूँ, जरा मर्दों के शर्ट के बटन पीछे कर दो, आदमियों की जिप पीछे कर दो, आदमी समाज में नंगा घूमना स्टार्ट कर देगा. बाहर में जाओ, नहीं पहनेगा कपड़े यार, हाँ नहीं पहन रहे, माई बॉडी माई रूल्स, मेरा बटन मेरा अधिकार. अरे आज भी लोग सड़क पे नारे लगाने लग जाएंगे यार, नीम का पत्ता कड़वा है मनीष मल्होत्रा. आपको लगता है आदमी की शर्ट के बटन पीछे क्यों बंद करेगा, आदमी इतना आलसी जानवर, आगे के पूरे बटन बंद नहीं करता है. देखो दो बटन खुले हुए मवाली की तरह, हाथ के बटन फोल्ड कर दिए. आदमी इतना आलसी जानवर, रात को जब शर्ट उतारता है तब भी एक बटन खोल के टी शर्ट की तरह उतारता है, ताकि अगले दिन बटन बंद नहीं करने पड़े. ये तो आलस भरी कौम है हमारी. सबसे ज्यादा आलस आता हमें ये बैंक और पेटीएम के केवाईसी कंप्लीट करने में. एक तो केवाईसी वालों को कितनी डिटेल्स चाहिए यार, पैन कार्ड दो, आधार कार्ड दो, बाहर जाओ नहीं दे रहा. अगले दिन सर्विस सेंटर से फोन आ गया, नो सर, केवाईसी इज नो योर कस्टमर, आपको अपने बारे सब कुछ बताना ही पड़ेगा, अपने बारे सारी डिटेल्स देनी ही पड़ेगी. तो मैंने उसको वाइफ का नंबर दे दिया, वाइफ से बात कर लो, शी नोज मी बेटर देन आई नो मायसेल्फ, मेरा केवाईसी यही कंप्लीट करेगी, डैम इट. नहीं कर पाई वाइफ, ब्लफ कर रही थी. मैंने बोल दिया, सुनो डार्लिंग, ओनली मार्क ज़करबर्ग नोज मी बेटर देन आई नो मायसेल्फ. उसको सब कुछ पता मेरे बारे में यार. हाँ, अरे एक बार मैं बस पॉन देखने की सोच ही रहा था कि मुझे राज कुंद्रा के एड्स आने लग गए यार. मैंने भी देख लिए, मुझे लगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, ठीक है. देखो मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, रियल किस्सा बता रहा हूँ. एक बार ना 3-4 साल पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला था, यहाँ पे टीवी तो मैं यू करके लेटा हुआ था और मैच स्टार्ट हो गया, कौन गर्दन मोड़ी, और यहाँ पे एक अलमारी थी जिसपे मिरर था. मैंने पूरा मैच उधर मिरर के रिफ्लेक्शन में बैठ के देखा यार, और उस दिन मेरी कोहली के लिए अलग रिस्पेक्ट बढ़ गया यार. बंदे ने लेफ्ट हैंडेड सेंचुरी मारी, मैंने स्कोर देखा, पाकिस्तान कितना गंदा खेल रहा है यार, उनके 6 रन पे 111 विकेट हो गए थे. सबसे कंफ्यूजिंग था स्टार स्पोर्ट्स के लोगों के नीचे लिखा हुआ रहा था इविल, कोई समझ लाइव का मेरे इमेज क्या इविल करे. मैम को कोई आइडिया नहीं क्या हो रहा है इधर. कोई बात नहीं, सारे जोक सबके लिए नहीं होते. आपको मनीष मल्होत्रा वाले में मजा आया था ना, बस बस असली शो वही था. ये तो बीच बीच में अच्छे वाले करने पड़ते हैं ताकि YouTube पे कमेंट आए, इंटेलिजेंट कॉमेडियन, गरीबों का ज्योतिरादित्य सिंधिया, फाल्गुनी पाठक,
Ublawa Ritesh Deshmukh. Women's life is very tough, but their clothing makes their life even tougher. काफी लड़कों को शायद ये बात पता भी नहीं हो, लेकिन जो women के trousers होते हैं, office pants, formals, उसमें कई बार जेब ही नहीं होते यार. हाँ. और कई बार जेब होते तो इतने छोटे, उसमें मोबाइल से सिम कार्ड रख सकते हो आप. विमेन के पैंटों पे जेब सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह. देखो आपको भी पता, उनसे ज्यादा पावरफुल तो कंगना रनावत है. आपको भी पता. और विमेन के पैंटों में जेब इसलिए नहीं होते क्योंकि हैंडबैग इंडस्ट्री की लॉबिंग है, ताकि ये लोग हैंडबैग खरीदे. तो अगली बार जब लुई विटोन ज़ारा के शोरूम में जाओगे तो स्ट्रेटेजिकली पैंट यहाँ होंगे और वहीं पे ऊपर हैंडबैग लगाए होंगे, कि आपको जेब अलग से खरीदने पड़ेंगे और जेब पैंट से ज्यादा महंगे. अब समझ में आया आंटियां यहाँ पे सामान क्यों रखती है. उनका अलग करेंसी चल रहा है उधर, बिटकॉइन करके. ये ज्यादा हो गया थोड़ा, है ना, ये ज्यादा हो गया. मैं इस जोक को वापस लेता हूं फार्म लॉस की तरह. अभी मैं आदमियों को समझाता हूं इनकन्वीनियंस. अब इमेजिन करो हमारे पेंटों से अगर जेब निकाल दी, और हम आदमी लोग पागल हो जाएंगे यार. पहले तो मैं समझ ही नहीं आएगा इन हाथों का करना क्या है. सर हमारी आधी कौम तो बालों में भी नहीं डाल सकती. क्योंकि आदमी के लिए जेब एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है यार. पहले तो आदमी जेब को नैपकिन की तरह यूज करता था, कहीं पे भी हाथ धोए बस जेब में डाल के पहुंच रही है. मुझे लगता है आदमी को एक जेब तो ऐसे रख के चलना चाहिए. तो कैसे घर पे वॉश मशीन के बाहर नैपकिन लटकता नहीं रहता. सबसे इंपॉर्टेंट, आदमी जेब को यूज करता है एज एन अंडर कवर एजेंट. तो आपको तो पता ही होगा मैम, आदमी को पब्लिक में कभी भी लोअर हाफ में खुजली आ सकती. तो आदमी जेब में हाथ डाल के फिर अपने बरमूडा ट्रायंगल को स्क्रैच करता है उधर. और साइड में जो वाइफ या गर्लफ्रेंड खड़ी पूरी तरह एम्बैरेस हो रही है, यार तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या यार. ये क्या तुम पब्लिक का बंदरों की तरह खुजाना स्टार्ट करते हो यार. धीरज यू आर एम्बैरेसिंग मी. और वर्षा लेडीज तब हम मर्द लोग बोलेंगे, इफ यू कांट हैंडल मी एट माय वर्स्ट देन यू डोंट डिजर्व मी एट माय बेस्ट. धीरज भी सारे डबल मीनिंग एंजॉय कर रहा है, मैं देख रहा था. बिटकॉइन पे कितना मजा आया धीरज को. मुझे पता है धीरज आपको कैसे जोक्स चाहिए. आई वन नो माय ऑडियंस बेटर देन दे नो देमसेल्व्स. तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना फॉर बेटर रीच. और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगस्त में मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ. टिकट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. प्लीज स्प्रेड द वर्ड, इंडिया के शोज चालू है. और हाँ, यही भेजना था आपको. चलो दोस्तों, मैं अब निकलता हूँ, मेरा भी सोने का टाइम हो रहा है. ठीक है, सी यू गाइस, थैंक यू.